गाइस आज हम लोग GTA 5 में एक ऐसी मोड यूज करने वाले जिसके मदद से हम लोग बना सकते हैं खुद के लिए गर्लफ्रेंड। हम लोगों को सिर्फ हमारी गर्लफ्रेंड को खुश करना पड़ेगा और लव लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग हमारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सारे फनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट गो टू द फ्रैंकलिन हाउस बिकॉज फ्रैंकलिन इज वेरी अलोन फॉर लॉन्ग टाइम। तो आज हम लोगों ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए चाहे आसमान पाताल में चले जाए और पाताल आसमान में आ जाए, आज हम लोग फ्रैंकलिन के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चौप तो देख लेना, आज हम लोग फ्रैंकलिन के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के रहेंगे। यू कैन डू इट मालिक, अब कर सकते हो। क्यों चौप, चारा सा गंजा मेरे को प्यारा, कुछ भी हो जाए गर्लफ्रेंड ढूंढना है हमारी यारा। ओहो वैसे जो भी हो यार, गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए ये खटारा वाला कार और ये खटारा वाला बाइक से काम नहीं होने वाली है, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रैंकलिन के लिए इम्पोर्ट किया है कार जो की लैम्बोर्गिनी, वो भी पिंक एडिशन में, वो पिंक कलर की जो की लड़कियों की फेवरेट कलर है। ये कार देख कर तो लड़की क्या लड़के भी आ जाएंगे फ्रैंकलिन के पास। वैसे हम लोग को लड़की की जरूरत नहीं, हम लोग को लड़की चाहिए। ओहो कितने प्यारे कार है, देख कर तो मेरे को प्यार आ रहा है फ्रैंकलिन के ऊपर। तो गाइस अभी तुम लोग मैप के अंदर जो येलो कलर की मार्क देख रहे हो, वैसे कि 17 नंबर एंड 20 नंबर ये कोई मार्क नहीं है गाइस, ये है लड़कियों की मार्क। मतलब कि यहाँ पर जाऊंगा तो मुझे एक लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं डेट पे जाऊंगा, उसका इंप्रेस करूंगा और अगर वो हमारे से इंप्रेस हो जाएगी तो फिर फ्रैंकलिन को मिल जाएगी गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो। आई होप कि ये लड़की बहुत ही खुशी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कबाल की हो। वैसे मैडम जी आप भी कुछ कम नहीं हो, जाती हो क्या? अरे चल बे कहां से आ जाते गरीब लोग कहीं के। अबे ओ हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, तुमको दिखाई नहीं देता यार? कैसे लोग है यार, लैम्बोर्गिनी देख के बोल रहे भिखारी लोग है यार, इनको पता नहीं हम कितने अमीर है यार। सो गाइस हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोगों का सही लाइफ पार्टनर हम लोगों को यहीं पर मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पर सुंदर सा सुशील सा लड़की, हाँ एक है लड़की, इससे जाके बातें करते। आई थिंक यही लड़की होगा, लेकिन इनके साथ तो एक लड़का ऑलरेडी है, हो ना हो इसका भाई होगा। अरे रुक जाओ, इससे जाके बातें करते। हेलो मैडम जी कैसे हो आप? ओ इतनी हिम्मत तो जग्गू दादा के गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता है, मुंह तोड़ दूंगा तेरी वोट यहाँ से। ये आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरी मैप तो मेरे को बता रहा है कि यहीं पर कहीं पर मेरा गर्लफ्रेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई लड़की है ही नहीं। वो एक मिनट रुक जाओ, ये मार्क मुझे ये तो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये बिल्ली मेरी सही लाइफ पार्टनर है। भाई कुछ भी मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर बिल्ली के साथ, सॉरी नहीं मैं शादी कर सकता हूँ, उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होंगे नहीं। ओके तो गाइस ये मुश्किल वाली बात नहीं, यहाँ पर देखो लड़कियों की एकदम मेला लगा हुआ है, 11 नंबर है, 19 नंबर है, 22 नंबर है, 7 नंबर है, 19 नंबर है, बहुत सारे लड़की है यार हमारे पास में। 11 नंबर है मतलब 11 नंबर, चलो इवन 11 के पास जाते, 11 जो उसका पर यहाँ पर कौन सा वाला लड़की, कौन सा वाला कौन सा वाला लड़की? वो सीरियसली भाई ये लड़का है, ये मोड जिसने बनाया पागल है क्या, ये लड़का है भाई, लड़के के साथ डेट पे जाऊंगा क्या मैं सचमुच यार? कुछ भी मतलब हाँ कुछ भी। अरे यार ये हो क्या रहा है यार, एक ढंग का लड़की नहीं मिल रहा है पूरे के पूरे लॉस एंजेलिस सिटी में यार। हो यार इस लड़की कहाँ गई हमको समझ में नहीं आ रहा है, लड़की यहाँ सड़क गायब कहा हो सकता है यार। अरे यार ये कहाँ पर फंस गया, हो यार इस लड़की, ओ ये लड़की है ना वो, रुको 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 मुझे लगता है एक सुशील खूबसूरत क्यूट सा लड़की मिल गई। हो मैडम जी हेलो, सुनो ना मैडम जी मेरे से बात तो करो मैडम जी। अबे चल फोटो यहाँ से। अरे मैडम जी इधर तो रुको, लैम्बोर्गिनी है मेरे पास। अच्छा तो तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है? हाँ वही तो मैं बोल रहा था, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, तुमको लैम्बोर्गिनी पे घुमाएंगे, चलोगे क्या मेरे साथ? अरे रुको हमको सोचना, मेरे को तुम्हारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? अरे मैडम जी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, चलो ना। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और हम लोग इसके साथ मजे करने वाले और इसको खुश करने वाले। तो गाइस इनसे मिलो, ये है फ्रैंकलिन का न्यू गर्लफ्रेंड। तुम्हारा नाम क्या है? अरे हमारी नाम नारंगी है। बस ये कौन सी नाम हुई नारंगी, बालों में इतने सारा रंग लगा के आए और नाम बताया नारंगी। कोई बात नहीं यार, नाम से हमको काम नहीं, हमको सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए था, वो हमको मिल चुका है। तो आज से फ्रैंकलिन का गर्लफ्रेंड का नाम नारंगी है, तो तुम लोग फटाफट कांग्रेचुलेशन बताओ फ्रैंकलिन को कमेंट में, इससे फ्रैंकलिन का मन खुश हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आ जाओ नारंगी जी कहीं से घूम के आते हैं, वरना तुम तो मेरे को छोड़ के चले जाओगे। बैठो बैठो लैम्बोर्गिनी में बैठो, गन कहां से लेके आ गए तुम? अरे बस हमारे पास रहती है, हमने पापा ने दिए हमको। ओ अच्छा ऐसी बात है। वैसे नारंगी जी कहां जाओगे बताओ ना। यू नो गाइस करने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग कार रेस कर सकते हैं एंड वापस सुपर कार रेंट में ले सकते हैं एंड उसके बाद गेम शॉप में हम लोग गेम खेलने जा सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग हाइट करने जा सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग बीच के साइड पे कैंप फायर पे जा सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग बीच के साइड पे योगा कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग कर सकते हैं चिलिंग पिलिंग इन रॉक रॉक रॉक। हां तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूं कि नारंगी जी के साथ हम लोग चलते हैं साइकिलिंग पे। उन्होंने कहा बीच के साइड पे साइकिलिंग करने का मजा ही अलग है, क्या मैंने सही बोला ना नारंगी जी? अरे हां तुमने बिल्कुल सही बोला है, हमको साइकिलिंग करना बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हारी ये पिंक कलर का कार हमें बहुत अच्छी लगी है। वैसे हमको लगा ही था कि तुम हमको देख के नहीं हमारी कार देख के आयो हमारे साथ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पापा के पास बहुत सारे कार है। वो ऐसी बात तो फिर एक दिखाओ ना मेरे को। अरे वो क्या है ना कि पापा ने बोला है कि बाहर के लोगों को कार मत दिखाइए, बाहर के लोग चोरी कर लेते। अरे तुम हमको चोर समझे हो का? हम चोर नहीं है, हम बहुत बड़े अमीर लोग है, तुमको पता भी है। अरे वो हाँ कभी कभी वो निकल जाती है अंदर से। तो गाइस हम लोग बस पहुंच चुके हमारी वो डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हम लोग को आना था,
यहाँ से हम लोग साइकिल रेंट पे लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं बहुत चीज जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइस हम लोगों ने ये दो बाइक रेंट पे ले लिया है, अभी लोग करने वाले हैं कंपटीशन। ये गाइस देखेंगे कि कौन है सबसे बेकार और कौन है सबसे सुपर। या लड़की तुम तैयार हो ना? अरे हम तो बचपन से तैयार है। हाँ तो ठीक है गाइस हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट रेस होने वाले यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ पर पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है ना लड़की? अरे हमारी नाम नारंगी है। ओके तो नारंगी जल्दी आ जाओ, हम जीत जाएंगे। तो फिर से कहना कि हमने तुम्हारे साथ चीटिंग किया है। अरे तुम हमसे जीत ही ना सकते, तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, मेरे को स्पीड चाहिए, मोर स्पीड। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हम लड़की से हार नहीं सकता। हट जाओ हमारे सामने से, मार देंगे यार। चलो 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 चलो। वो मैडम जी तो बहुत ही जोर से साइकिल चला रहे हमारे पीछे ही है। चलो चलो चलो, अरे हट जाओ यार, हट जाओ सामने से। चलो स्पीड जोर से भगाओ, जोर से भगाओ। ओके चलो हम लोग जीत सकते हैं गाइस, यू कैन डू इट फ्रैंकलिन। तुम जीत सकते हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुमको कैसे फेर के जीतना पड़ेगा तभी तुम लड़की को खुश कर सकते हो। क्योंकि हारे हुए इंसान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, यू नो गाइस, हारे हुए इंसान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता। यू कैन डू इट फ्रैंकलिन, यू कैन डू इट। वो पता नहीं यार मैडम जी कहां रह गई, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को बस जीतना है। चलो चलो बस हम लोग जीतने ही वाले हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारी लोकेशन पे, ये सब जीत गए। लेकिन मैडम जी कहां पर है? वो हेलो मैडम जी, नारंगी जी तो घूम गए। नारंगी जी कहां रहेंगे? हम लोग यहां पर है। और नारंगी जी यहां पर क्या कर रहे हैं? अबे उनको तो हमारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक गाइस नारंगी जी हमको ढूंढ नहीं पा रहे, हमको घुमा चुके हैं नारंगी जी। कोई बात नहीं, हम लोग ही नारंगी जी के पास चले जाते हैं, हमारे पास गूगल मैप है ना, गूगल बाबा जी है हमारे साथ। अरे वो नारंगी जी कहां जा रहे हो? हम लोग पहले जीत चुके हैं यार। अरे तुमने हमसे चीटिंग किया। अरे कैसे चीटिंग किया? मैं तुमको बोल रहा था कि यहां पर आना है, तुम कहां जा रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, तुम कहां कहां घूम रहे थे। अरे मैं तो तुमको ढूंढ रहा था, तुम हमको छोड़ के चले कैसे आ गए, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो मेरा। अच्छा नारंगी जी छोड़ो, कुछ और करते आ जाओ। हां ठीक है चलो चलो। वाओ तो ये रही वो कैंप फायर जिसके बारे में तुम लोगों को बता रहा था। आ जाओ नारंगी जी बैठ के दो दो गप्पे लड़ाते। अरे तुम ही करो, हमको ना करवाना तुम्हारे साथ गप्पे बप्पे। अरे आ जाओ ना बैठते। गाइस मैं तो बैठ गया। नारंगी जी आ जाओ ना इधर बैठते। अरे हमको बैठने की कोई मूड नहीं है, फिर भी तुम बोल रहे हो तो ठीक है बैठ ही जाता हूं, वरना तुम गुस्सा करोगे। अरे वैसी कोई बात नहीं है, तो फिर तुम बैठोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हां ठीक है बैठ तो गया ना, बताओ क्या बताना चाहते हो। वाओ यार दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ, नारंगी फ्रैंकलिन नारंगी। वाओ कमाल है यार। आ जाओ नारंगी जी बहुत बैठ लिया, आप कुछ और करते हैं। हां ठीक है, बोला तुमने बैठ के हमको मजा नहीं आता है। वाओ गाइस हम लोगों ने नारंगी जी को इंप्रेस्ड कर दिया और नारंगी जी हमसे बहुत खुश है और नारंगी जी हमसे हग करना चाहते हैं। या बिल्कुल, हम लोगों का एक एक्टिविटी खुल चुका है जो कि है हग करने वाला एक्टिविटी। ठीक है चलो हग करते हैं। हा हा कितने प्यारे लग रहे दोनों, हग करते हैं मजा आ गया। नारंगी जी हम फिर से एक बार हग करना चाहते हैं आपको। आ जाओ नारंगी जी फिर से एक बार हग करते हैं। हा हा कितने प्यारे लग रहे दोनों यार, हंसना नजर ना लगे तुम दोनों के ऊपर किसी की। नारंगी जी एक बार लास्ट बार। अरे नहीं हार और नहीं देंगे हम तुमको। नारंगी जी लास्ट बार, लास्ट बार। अरे नहीं बोला ना, नहीं नारंगी जी लास्ट बार ना। अच्छा ठीक है ले लो। हां अब ये हुई ना बात। बा 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 कितने प्यारे। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे नहीं नहीं गुदगुदी होती है, क्या कर रहे हो यार? तुमको हक करना, हक मांगने के लिए बोला, तुम क्या कर रहे हो यार? अब वो गलती से दे दिया मैंने आपको, गुस्सा मत करो यार, बहुत हो गई यहाँ पर, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हम लोगों ने, चलो दूसरी जगह चलते। ठीक है चलो चलो। वो गाइस मैं और नारंगी जी आ चुके हैं लॉस एंटोस सिटी के सबसे फेमस गेम शॉप पे। नारंगी जी अब जाने वाले हो ना अंदर? अरे मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, चलो चलो अंदर चलते। ओके नारंगी तो चलो अंदर चलते। वाओ गाइस ये कितनी कमाल की जगह और कितने सारे लोग तो पहले से ही खेल रहे, देख रहे हो ना नारंगी जी आप? मैं तो यहाँ पर अक्सर आता हूँ। क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पर अक्सर आते हो? वाओ इतने यहाँ पर तो कितने सारे गेम्स है। नारंगी जी आप खेलोगे क्या? अरे नहीं नहीं तुम ही खेलो। ठीक है चलो मैं ही खेलता हूँ। वाओ ये गेम मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं ये गेम को एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अरे बहुत ही अच्छी पसंद है तुम्हारी ये गेम, तो मैं कभी कभी खेलता हूँ। हाँ ऐसी बात है, तो फिर ट्राई करना बनता है। ठीक है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अपनी लक आजमा के देखते हैं कि हम लोग जीतते हैं या फिर हारते हैं। ओके हम लोगों का $500 लगा हुआ है इसके अंदर, अभी हम लोग जीतते हैं या फिर हारते हैं देखते हैं। ओके ओके नारंगी जी यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, सब लोग डू इट। चलो चलो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने $500 लगाया था और हम लोगों ने जीत लिया है $1000। यस इसको कहते हैं लक। बट यार एक दो तक तो ठीक है, हम ज्यादा नहीं खेलेंगे क्योंकि ये आदत लग सकती है और आदत बहुत ही बुरी चीज होता है। नारंगी जी ये बहुत ही बुरी जगह, चलो यहाँ से बाहर जाते। अरे हाँ तुमने सही बोला है, हम भी वही बोलने वाले थे। तो ये रही हमारी वो खास जगह जहाँ पर आने के बारे में हम नारंगी जी को बोल रहे थे। अरे तुम बाहर पे आने वाले थे तो पहले ही बोल देते, हमको इतना सस्पेंस बनाने की क्या जरूरत था। अरे वो सस्पेंस कभी कभी अच्छा होता है, चलो आ जाओ अंदर चलते। अरे हाँ ठीक है चलो। वाओ तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर और अभी हम दोनों मिलके लेने वाले एक एक ड्रिंक जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्यों नारंगी जी आप लेने वाले हो ना? अरे नहीं पापा नहीं, हम ये सब नहीं लेते, तुम ही खा लो, हमको पसंद नहीं है। अरे लो तो एक मजा आएगा तुमको। अरे ठीक है ले ही लेता हूँ, अगर इतनी बार बोल रहे हो खा के देखता हूँ। इतना बदबू, कितना करवा है ये। अरे करवा है पर अच्छा है, चलो एक एक और ड्रिंक हो जाए क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, तुम ही खा लो, हम नहीं खाएंगे। अरे ले लो ना। अच्छा ठीक है तुम बोल रहे हो तो ले ही लेते। चलो ठीक है पहले मैं पीता हूँ उसके बाद आप पी लेना। अरे ठीक है तुम पी लो। मजा आ गया मेरे को तो, कितना स्वाद था। ठीक है मैडम
जी मेरे को भी एक दे दो, मेरे को भी खाना है, अच्छा लग रहा है, पहले पहले कड़वा लग रहा था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अरे मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, हाँ मजा आ गया, अच्छा अच्छा था अच्छा था अच्छा था। हाँ तो नारंगी जब को मजा रहना मेरे साथ। हाँ वैसे तुम मजा की आदमी हो, मेरे को अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यार। हाँ तो अभी शाम भी होने वाली है और आपको घर छोड़ दे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो घर छोड़ देते। हाँ मैडम जी आपकी हुकुम सराव खोपर। आई नो गाइस कि तुम लोग अभी क्या सोच रहे हो कि नारंगी जी हमारे घर पे कैसे आ गए, पता नहीं मेरे को भी, मैं सुबह सुबह उठा तो देखा नारंगी जी हमारे घर पे आ चुके हैं, हमको ढूंढते ढूंढते। अरे बस मेरे को तुम्हारी बात याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुम हमारे घर पे आओ, इससे अच्छा तो मैं ही तुम्हारे घर पे चला जाता हूँ। अरे वाह नारंगी जी आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ वैसे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहने में। वाह 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 कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, आपके लिए तो गाना होता है यार। अरे वाह वाह तुम तो गिटार भी बजा लेते हो। वैसे तो हम और भी बहुत कुछ करते हैं, आपको आगे के पता चल जाएगा। हाँ वैसे तुमने बात सही कहा है। तो गाइस फ्रैंकलिन तो अभी बहुत खुश है, आई होप कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छी लगे। तो गाइस आगे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ, लाइक गाइस हम लोग इसको और भी लेवल अप कर सकते हैं और नारंगी जी को हम लोग शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं एंड उसके बाद और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आगे भी। अगर तुम लोग को गर्लफ्रेंड के ऊपर एपिसोड चाहिए तो फिर कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तो आप लोगों से मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।